आपके पास एक बिजनेस आइडिया है पर पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, थोड़े से पैसे हैं, पायलट रन पे उसको टेस्ट करना है कि वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आज हम बात करेंगे कम पैसों के अंदर कैसे आप टेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस आइडिया को। तो आज को वर्किंग स्पेसेस के बारे में बात करेंगे। को वर्किंग स्पेसेस का मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे आपको मंथली या फिर 6 महीने का या फिर साल का कुछ पैसे का अमाउंट देना है और आपके लिए एक जगह बुक, वहाँ जाओ, सारी की सारी फैसिलिटीज़ है, अच्छे तरीके से सब कुछ बना हुआ है, चाय कॉफ़ी वाईफाई सब कुछ इंक्लूडेड है। 2022 तक पहुँचते 5.1 बिलियन की नीड हो जाएगी को वर्किंग स्पेसेस की। अब इससे पता लग रहा है कि कितना बड़ा स्टार्टअप कल्चर शुरू होने वाला है हमारे देश के अंदर। मतलब हर बंदे को अपना स्टार्टअप खोलना है, हर एक बंदे के दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, हर एक बंदा उसके ऊपर काम करना चाहता है, पैसे है नहीं। अब टेस्ट करने के लिए, पायलट रन करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर जब तक वो बड़े नहीं बनते हैं, बेस्ट आइडिया कोवर्किंग ही रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीट्स के बारे में, किस टाइप की सीट्स है, उसके क्या क्या लमसम प्राइजेस होते हैं। मैं आपको एक वेरिएशन दूंगा कि कितने रुपए से कितने रुपए तक वेरी करते हैं, और प्राइजेस वेरी करते हैं लोकेशन के हिसाब से, किस जगह पे है, किस टाइप का वो ब्रांड है, किस टाइप का उसका इंटीरियर बना हुआ है, क्या क्या वो फैसिलिटीज़ देता है और क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो सबसे पहले आता है हॉट सीट। हॉट सीट का मतलब क्या होता है, आपको जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये हॉट सीट्स है। हॉट सीट्स के अंदर क्या हुआ, आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जो कि वेरी करता है 6-7 हज़ार रुपये से। 6-7 हज़ार तो लगता नहीं, बहुत ही लोअर लेवल के आपको 6-7 हज़ार रुपये मिलेंगे। 6-7 से 25 हज़ार तक भी रेट है हॉट सीट का। मतलब आपको सिंगल सीट मिलेगी जहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। आपको एसी मिलेगा, बिजली का नहीं देना है आपको, आपको वाईफाई मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अगर कोई पूल टेबल वूल टेबल है तो वो मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी आपको, जितने भी उनकी फैसिलिटीज़ आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अब अगला है डेडिकेटेड डेस्क। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक परमानेंट सीट मिलेगी जहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं बैठ सकता। हॉट सीट के अंदर क्या हो रहा था कि आपकी सीट पे कोई और बैठ सकता है, आपको कल को कहीं और बैठना पड़ेगा, मतलब विंडो वाली सीट चाहिए तो पहले आना पड़ेगा, वो वाला सीन है। यहाँ पे डेडिकेटेड के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, वो सीट आपकी रहेगी। अगेन यहाँ पे भी प्राइस वेरी करते हैं, कहाँ पे आप ले रहे हो, किस टाइप की ले रहे हो। कईयों में कॉफ़ी इंक्लूडेड होती है, कईयों में ऑप्शनल होती है, कईयों में लंच भी इंक्लूडेड होता है, कईयों में ऑप्शनल होता है, हर जगह का अलग अलग पैरामीटर है। अब अगला आता है प्राइवेट सीट, प्राइवेट डेस्क, अलग अलग नाम है इसके। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान के चलो हमारे पास 5 बंदों की टीम है। अब 5 बंदों के लिए मेरे को ऑफिस लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बहुत खर्चा है। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 डेडिकेटेड सीट्स ले ली। अब मैं बॉस हूँ, अब मुझे अपने लिए कैबिन चाहिए जहाँ पे मैं लोगों के साथ मीटिंग कर सकूँ, या फिर मेरे को एक पर्सनल कैबिन चाहिए जहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि मैं बड़ा आदमी हूँ। तो मैंने एक अलग सीट ले ली और 4 अपने एम्प्लॉयज़ को डेडिकेटेड सीट दिला दी। तो वो 4 के 4 इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं और मुझे एक अलग से कैबिन मिल गया जहाँ पे मैं अलग से बैठ के काम कर सकता हूँ। अगला आता है बोर्ड मीटिंग हॉल। इसका मतलब क्या हुआ, भाई मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं यूएस से, 8 क्लाइंट्स हैं, अब उनको बिठाना है, अब मेरे पास सीट नहीं है, अब मैं क्या करूँगा उनको, उनके चक्कर में एक और सीट लेने की पर डे के, और उससे इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं आर्ली बेसिस के ऊपर अलग अलग मीटिंग रूम्स को हायर कर सकता हूँ और वहाँ पर मैं मीटिंग कर सकता हूँ। अभी ज़रूरत नहीं है मेरे को परमानेंटली, मेरी दिन के अंदर 24 घंटे मीटिंग्स नहीं चलती है, मेरी हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती है, वो भी 1-1 घंटे की। तो मैं स्पेसिफिक अमाउंट दूंगा ना मीटिंग हॉल का, सिर्फ जाऊंगा, मीटिंग करूंगा और आ जाऊंगा। अगर बिजनेस मॉडल के बारे में बात करके चलूं, इनका ज़्यादातर जो प्रॉफिट आता है वो आता है हॉट सीट एंड डेडिकेटेड सीट से। अब जो मीटिंग हॉल्स होते हैं, कई लोग सेमिनार के लिए भी पैसे लेते हैं, वहाँ से मेजर प्रॉफिट जनरेट करते हैं ज़्यादातर लोग। कई होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव काम करते हैं, जो कि हॉट सीट भी ऐसी रखते हैं जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आता है। अगर को वर्किंग स्पेसेस की सबसे अच्छी चीज़ के बारे में बात करूँ जो कि मुझे लगती है, वो है नेटवर्किंग। अब मान के चलो मेरे दिमाग में एक आइडिया है एक्स वाई जेड चीज़ का, अब मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पता लगता है कि मुझे एक ऐप भी बनवानी है, तो मेरी को वर्किंग स्पेस के अंदर ही एक बंदा बैठा है जो कि ऐप डेवलप करता है, तो मैं डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकता हूँ, डायरेक्टली उसको आइडिया बता सकता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए और वो मेरी डायरेक्टली हेल्प करेगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं मान लो मेरी वेबसाइट की कंपनी है और आप मेरे पास आते हो वेबसाइट बनवाने के लिए, तो आपको रोज़ मेरे पास आना पड़ेगा अपडेट लेने के लिए, रोज़ तो आ नहीं सकते, तो महीने में वीकली आओगे, तो इससे कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। पर अगर वो बंदा मेरे साथ ही एक ही ऑफिस में बैठा है तो मैं डायरेक्टली रोज़ जाके उससे अपडेट ले सकता हूँ, मैं शायद उसी के साथ में अपनी डेडिकेटेड सीट लेके उसी के साथ में बात कर सकता हूँ कि यार देखिए करते हैं, हो सकता है कि वो मेरा कोफाउंडर बन जाए, मेरे स्टार्टअप आइडिया उसको अच्छा लगे और हम साथ के साथ पार्टनरशिप पे काम करें कि तू ऐप के ऊपर काम कर, मैं बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करूंगा, हम दोनों ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली लगी है कोवर्किंग के अंदर, वो है नेटवर्किंग, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ नेटवर्किंग। तो जितने भी कोवर्किंग स्पेसेस है वो सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ के ऊपर करते हैं,
नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस। इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर स्पेसेस को, जिन्होंने हमको नोएडा के अंदर बुलाया और हमको बताया कि क्या क्या इनके पास प्रॉपर्टीज़ है। मैंने आपको जितने भी वीडियोज़ दिखाई है इस वीडियो के अंदर, वो सारी की सारी इनके यहाँ की है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था, थोड़ा यहाँ पे आके मुझे पता लगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में बता देना मुझे। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना। बाय, गुड नाइट, शब अगेन, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।